हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स। हमें एक स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और उसको प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। अब हम देखते हैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारे पास क्या होगा। स्मॉलेस्ट पूछ लिया अगर हमारे से, तो हम क्या करते हैं कि अगर 5 डिजिट पूछ रखा है तो 4 जीरोस और 1 लिखेंगे, अगर 4 डिजिट पूछ रखा है तो 3 जीरो एंड 1 लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 5 डिजिट नंबर क्या आ गया, 1 और 4 टाइम्स 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, 1 एंड 4 टाइम्स 0 के प्राइम फैक्टर करने हैं तो एक बार 2 से कर देंगे, 2 की और 5000 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 10000। फिर हमारे पास क्या है 5000 की फिर से हमने किया फैक्टर, तो किस किस में कन्वर्ट कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 2500 में। फिर से इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे पास 25 एंड 100। अब हमारे पास 25 और 100 के अलग अलग फैक्टर करेंगे, 25 के फैक्टर क्या आएंगे 5 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह 100 के फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएंगे 10 मल्टीप्लाई 10। 10 हमारे पास 10 के फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह इस 10 के भी क्या आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 5। अब हमें लिखना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर अगर हमें नोट करना है तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के लिए हमारे पास जितने भी डिजिट्स आए, जितने भी हमारे पास नंबर्स आए हैं प्राइम के, वो सभी मेंशन कर देंगे क्या क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स 2 आ गया हमारे पास तो 4 टाइम्स हम क्या लिखेंगे 2। उसके बाद फिर 5 मल्टीप्लाई 5, 4 टाइम्स हमारे पास क्या है 5, तो 4 टाइम्स हमने क्या लिख दिया 5। अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वापस क्या आ जाएगा 10000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। हमें प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, और उसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कॉन्जुकेटिव प्राइम नंबर्स। फिर हम देखते हैं कि 2 कॉन्जुकेटिव प्राइम नंबर्स के अंदर कोई रिलेशन है या नहीं है। प्राइम फैक्टर ऑफ 1729, अब हमने इसका प्राइम फैक्टर किया, देखते हैं 7 से डिवाइड हो जाएगा ये 7, और दूसरा क्या आ जाएगा 247। जब हमें ऐसे प्राइम फैक्टर फाइंड करने, अगर हमें नहीं मिल रहा तो हम डिवाइड करके देखते हैं। अब इसको जैसे हमने डिवाइड करके देखा 7 से, 7 टू जा 14, इसमें से जाएगा 3, 2 7 4 जा 28, यहाँ पे क्या आएगा 4, 9 7 7 जा 49, तो हमारे पास क्या आ गया 247। इसीलिए हमने क्या क्या लिख दिया 7 एंड 247। फिर हमने 247 के फिर से फैक्टर किए, 247 के अगर फैक्टर करेंगे तो क्या क्या आएंगे 13 एंड 19, ये दो इसके फैक्टर आएंगे। अब देखो प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 आर 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 9। अब हम देखते हैं कि द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जुकेटिव प्राइम फैक्टर इज 6, इन दोनों का हमारे पास डिफरेंस क्या है 6, इन दोनों का भी डिफरेंस क्या है 6, तो इनके अंदर क्या रिलेशन है कि इन दोनों का जो हमारे पास कॉन्जुकेटिव बोल रखे हैं ना, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में जब हमने इनको नोट किया 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19, तो इनका दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6 है, तो यही इनके अंदर रिलेशन है। द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुकेटिव प्राइम फैक्टर इज 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जुकेटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6, हमेशा डिविजिबल होंगे किससे 6 से।
वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. कुछ एग्जाम्पल्स से इसकी जो स्टेटमेंट है उसको हमें वेरीफाई करेंगी. देखो सॉल्यूशन देखा है. अमंग द थ्री कॉन्जुकेटिव नंबर्स, हमें कोई भी तीन कॉन्जुकेटिव नंबर लेने. कॉन्जुकेटिव क्या होता है? लगातार, जो हमारे पास है कंटिन्यू. कॉन्जुकेटिव को हम क्या बोल सकते हैं? कंटिन्यू या लगातार. कि कंटिन्यू हमें कोई भी थ्री नंबर्स नोट करने हैं. देयर मस्ट बी वन इवन नंबर. तो उनको अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक इवन नंबर एंड वन मल्टीपल ऑफ थ्री. और एक मल्टीपल क्या आ जाएगा? थ्री का. दस द प्रोडक्ट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ सिक्स. जो उनका उनकी प्रोडक्ट आएगी वो क्या आ जाएगी? मल्टीपल ऑफ सिक्स. देखो कैसे करेंगे. अब हमारे पास तीन कॉन्जुकेटिव नंबर लेने हैं. हमें कोई भी तीन ले लिए, टू थ्री फोर. कंटिन्यू लेना है इसलिए हमने कंटिन्यू नंबर्स लिए, टू थ्री एंड फोर. टू थ्री जा सिक्स, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर. ट्वेंटी फोर है वो डिविजिबल है सिक्स से, तो ये हमारे पास सेटिस्फाई हो गया. इसी तरह फिर हमने नेक्स्ट लेके देख लिया और भी कोई, फोर फाइव सिक्स ले लिया. फोर फाइव सिक्स के करेंगे, फोर फाइव जा ट्वेंटी, ट्वेंटी सिक्स जा 120. ये भी हमारे पास 6 से डिविजिबल है. तो हमें ऐसे ही एग्जांपल लेके बताना था कि कोई भी थ्री कॉन्जुकेटिव नंबर्स, कंटिन्यू कॉन्जुकेटिव नंबर्स, अगर हम उनकी मल्टी प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं 6 से तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल है. और हमें इसको स्टेटमेंट को एग्जांपल से प्रूव करना था. ये हमारे पास दो एग्जांपल हैं इसके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. द सम ऑफ टू कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर्स. सम ऑफ, सम करना है टू कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर्स का. कोई भी दो कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर्स का सम करना है. इज ऑलवेज डिविजिबल बाई फोर. और ये बोल रखा है वो हमेशा डिविजिबल होगा किसका? फोर का. वेरीफाई दिस स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे. हमारे पास कोई भी दो ऑड नंबर लेने हैं और वो भी कॉन्जुकेटिव. कॉन्जुकेटिव मीन्स ऑड नंबर. हमारे पास क्या क्या है? थ्री है, फाइव है, सेवन है. तो कॉन्जुकेटिव लगातार लेने. थ्री के बाद हमारे पास क्या आता है? फाइव आता है. फाइव के बाद क्या आता है? सेवन आता है. तो ये हमारे पास क्या हो गए? उसके कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर्स. तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया हमने थ्री एंड फाइव. थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू क्या है आपके पास? एट. एंड एट है वो डिविजिबल क्या है? फोर का. उसके बाद हमने नेक्स्ट टू लेके देखा. फाइव प्लस सेवन है वो क्या आ जाएगा? ट्वेल्व. एंड ट्वेल्व इज डिविजिबल बाई फोर. ट्वेल्व भी डिविजिबल है फोर से. उससे नेक्स्ट हमने लिया सेवन एंड नाइन. सेवन प्लस नाइन इज इक्वल टू सिक्सटीन आ जाएगा. सिक्सटीन भी डिविजिबल है फोर से. इसी तरह हम आगे भी ले सकते हैं. नाइन प्लस इलेवन आ जाएगा. नाइन प्लस इलेवन हमारे पास ट्वेंटी आएगा. और ट्वेंटी भी डिविजिबल होगा किससे? फोर से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन. इन विच ऑफ द एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन. किस एक्सप्रेशन में आपको चार पार्ट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी. इन सभी में से हमें ये बताना है कि किस एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन डन हो रहा है. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जो वो सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है. अब देखो 24 के फैक्टर क्या क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4. लेकिन 2 भी हमारे पास प्राइम है, 3 भी, बट 4 हमारे पास प्राइम नहीं है. तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा. उसके बाद है 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. 7 भी हमारे पास प्राइम है और ये भी हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है. तो इसको हम क्या बोल देंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन है. 17 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर एंड 7 भी प्राइम नंबर है. तो ये भी सेटिस्फाई करता है. नेक्स्ट है 54 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9. 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, बट 9 है वो प्राइम में नहीं है. 9 प्राइम नहीं है. तो इसको हम क्या बोल देंगे? नॉट सेटिस्फाइड. तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? ओनली बी एंड सी आर प्राइम फैक्टराइजेशन. जिस 56 और 70 है उनके क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाई 45. हमें ये बताना है कि 25,110 इज डिविजिबल है 45 से. हम कैसे फाइंड करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45, जो हमें 45 दिया हुआ है, पहले हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 45 के, क्या आएगा?
फाइव मल्टीप्लाई नाइन। अब हम देखते हैं कि कोई नंबर अगर 45 से डिविजिबल है तो वो इट मीन्स 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर इन दोनों से डिविजिबल है इट मीन्स हम क्या बोल देंगे कि वो नंबर 45 से भी डिविजिबल है। अब देखते हैं 25,110 इज़ डिविजिबल बाई 5। ये 5 से डिविजिबल है कैसे, किस से देखा हमने, एज ज़ीरो इज एट इट्स यूनिट प्लेस, क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस इट मीन्स इसका लास्ट डिजिट क्या है, ज़ीरो। और हमने 5 से डिविजिबल के लिए रूल पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर का हमारे पास कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट या ज़ीरो हो या फिर 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अब हमारे पास लास्ट डिजिट ज़ीरो है इट मीन्स हम क्या बोल देंगे कि ये 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है फिर हम इसको देखते हैं 9 से डिविजिबल, 25,110 इज डिविजिबल बाई 9। 9 से डिविजिबल के लिए हमने क्या देखा, इनके डिजिट्स का सम देखते हैं, 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आया, 9। और 9 9 से डिविजिबल है तो हम क्या बोल देंगे, एज सम ऑफ डिविजिबल बाई 9। इनका जो भी सम आया है वो 9 का डिविजिबल है, इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास 9 से अगर ये डिविजिबल है और 5 से भी ये डिविजिबल है तो ये दोनों, ये पूरा का पूरा नंबर इससे 45 से भी डिविजिबल होगा। के लिखेंगे सो द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 5 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 45, कि ये नंबर 45 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 18 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3। 18 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो दोनों से डिविजिबल है, 2 से भी एंड 3 से भी। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 मल्टीप्लाई 3, और ये इन दोनों की मल्टीप्लाई से भी डिविजिबल है। सिमिलरली ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 एंड 6। इसी तरह से कोई नंबर लेंगे हम जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल होगा। कैन वी से दैट द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 24। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो उन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उससे भी डिविजिबल होगा। इफ नॉट, अगर नहीं, गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर, तो अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए कोई भी एग्जाम्पल दो। अब हम देखते हैं, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है, हमने एक एग्जाम्पल लिया 12। 12 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल है 6 से भी एंड 4 से भी। 12 इज डिविजिबल बाय 6 एंड 4। बट क्या 12 हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई से डिविजिबल है? दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 24। क्या 24 से डिविजिबल है 12? नहीं, 24 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए क्या लिखेंगे, 12 इज डिविजिबल बाय 6 एंड 4। बट 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 24, लेकिन 12 है वो 24 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, आप क्या बोल रखा है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं एक बहुत छोटा नंबर हूँ। हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, और मेरे अंदर 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैं। कैन यू फाइंड मी, क्या आप मेरे को फाइंड कर सकते हैं? अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बोल दिया तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट 4 प्राइम फैक्टर हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा, द स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर्स आर, 4 प्राइम नंबर हमारे पास, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या क्या है, 2, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5, उसके बाद 7 है। तो वो नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। हेंस द नंबर इज, वो नंबर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 210। वो नंबर क्या है हमारे पास, 210, जिसके स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 2 3 5 एंड 7। एक्सरसाइज कंप्लीट, ओके गुड।